केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी, भारत पेट्रोलियम के निवेश सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। हरियाणा की सियासी जमीन पर आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज होंगे आमने सामने। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महमगढ़ी और सांपला की लोई में करेंगे रैली को संबोधित, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक शहर में जनसभाएं करेंगे। मुंबई के दशहरा ग्राउंड में उद्धव ठाकरे ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित, बीजेपी से समझौते पर शिवसैनिकों से मांगी माफी, कहा गठबंधन का एक हिस्सा है समझौता। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज धुले में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित, कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरीश पटेल और उनके हजारों कार्यकर्ता आज बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में जलगांव की चुनावी सभा में शरद पवार ने ईडी को किया चैलेंज, कहा मुझे ईडी से डर नहीं लगता, जब तक हम सब एक साथ खड़े हैं ईडी कुछ नहीं कर सकती। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में दरार की अटकलें तेज, दशहरा ग्राउंड में नीतीश के साथ मंच पर नहीं आए कोई भी बीजेपी नेता, खाली पड़ी रही कुर्सियां। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस का चुनाव जीतना मुश्किल, कांग्रेस अपना भविष्य तक नहीं कर सकती तय। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का एनसीपी से विलय पर बयान, कहा एक दिन जरूर होंगे साथ, 1999 में शरद पवार ने अलग होकर बनाई थी एनसीपी। दिल्ली में पूर्व सांसदों से सरकारी बंगले खाली कराने के लिए होगी सख्ती, अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई, पूर्व सांसद हरि मांझी के नॉर्थ एवेन्यू स्थित आवास सहित तीन आवंटियों के घर आज कराए जाएंगे खाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फ्रांस दौरे का दूसरा दिन आज, फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री के सीईओ को करेंगे संबोधित, अधिकारियों से मेक इन इंडिया में भागीदार बनने की कर सकते हैं अपील। 11 अक्टूबर को भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति के दौरे से पहले चीन के बदले सुर, कहा भारत और पाकिस्तान को आपस में सुलझानी चाहिए समस्या। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन पर कसा तंज, कहा हिलरी क्लिंटन को 2020 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहिए। आज रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों का होगा ऐलान, एक दिन पहले फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की हुई थी घोषणा। चीन में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम, अमेरिकी अधिकारियों का रोका गया वीजा। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीफन बिगुन, दक्षिण कोरिया और जापान के अधिकारियों ने की बैठकें, कोरियाई प्रायद्वीप के संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर त्रिपक्षीय सहयोग एवं समन्वय पर हुई चर्चा। पिछले 6 दिनों की नरमी के बाद आज स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम, नहीं किया गया कोई बदलाव, आज दिल्ली में पेट्रोल 73.59 रुपए और डीजल 66.81 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अचरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 70 अंकों की बढ़त के साथ 37,599 पर पहुंचा, निफ्टी 20 अंकों की मजबूती के साथ करीब 11,150 के आसपास कर रहा है कारोबार। कमजोरी के साथ हुई रुपए की शुरुआत, डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे कमजोर होकर 71.18 रुपए के स्तर पर खुला, पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 71.02 रुपए के स्तर पर हुआ था बंद। पंजाब एंड नेशनल कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में आज होगी सुनवाई, पूर्व चेयरमैन एस वरियाम सिंह को मुंबई की एक अदालत में किया जाएगा पेश, 4,335 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में खत्म हो रही है वरियाम सिंह की पुलिस रिमांड। और सुस्ती से मुश्किल में व्हीकल मैन्युफैक्चरर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, टोयोटा ने कर्नाटक में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना की शुरुआत।